तो अब हम लोग शुरू करते हैं एम सी क्वेश्चन बेस्ट ऑन द एन सी आर टी बुक क्लास सेवन चैप्टर नंबर सिक्स और चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज इससे पहले हम लोगों ने आउटलाइन देखा है सॉल्यूशन देखा है और अब हम लोग एम सी क्यू क्वेश्चन देख रहे हैं इस चैप्टर का हम सभी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में एनसीआर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर पूछ देता है तो ज्यादातर हम लोग रिकवर कर रहे हैं समरी के माध्यम से और आउटलाइन के माध्यम से और सोल्यूशन के माध्यम से और एमसीक्यू के माध्यम से तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और इस बेल आइकन पे ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं इन विच टाइप ऑफ द चेंज ए न्यू सबस्टांस इज फॉर्म इसमें कौन सा uh, टाइप में प्रकार में नया सबस्टांस फॉर्म होता है केमिकल चेंज में होता है आपका फिजिकल uh, चेंज में होता है केमिकल चेंज में होता है बोथ में होता है डी नाइदर हम लोग जानते हैं कि नया नयाबस्ट बनता है केमिकल चेंज में इसलिए आपका वन का बी आंसर सही है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है कटिंग ए लॉन्ग ऑफ वुड इन ए स्मॉल पीस बी बर्निंग ऑफ वुड सी राइपनिंग ऑफ फ्रूट, डी कुकिंग ऑफ फूड ये तीनों आपका केमिकल चेंज हो गया बी सी डी इसलिए आपका ए राइट आंसर है ये आपका फिजिकल कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इन ए स्मॉल पीस इज ए फिजिकल चेंज एक हैं आंसर ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं पिच ऑफ द फोलोइंग इज ए केमिकल चेंज इनमें से कौन सा केमिकल चेंज ए है बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर बी है जर्मिनेशन ऑफ सीड सी है पोल फॉर्मेशन फ्रॉम डिराइड ट्रीज डी है ऑल ऑफ डीज आपका बर्स्टिंग यानी कि फायर जो क्रैकर है बम है वो फटता है जर्मिनेशन सीड का उकड़ना पोल फॉर्मेशन फ्रॉम डिराइड ट्रीज गढ़ा हुआ मतलब खोद अंदर में दबा हुआ ट्रीज का खोदने पर कोल ये सारा का सिरे क्या होना चाहिए आपका ये केमिकल चेंज है टोटल केमिकल चेंज है को देखते हैं थ्री का अवलब दीजिए राइट आंसर पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इज़ द मेथड टू प्रिवेंट रस्ट कौन सा इसमें से मेथड है जो रस्ट को जंग लगने से है, बचाता है ऑप्शन नंबर एक क्रिस्टलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंटेशन ऑप्शन नंबर सी गलवेनाइजेशन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज आपका सी इज द राइट आंसर गलवेनाइजेशन देखते हैं आंसर देखते? है. देखते हैं सही है सी आपका राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टांस आर ऑप्टेन से एक क्रिस्टल कैसे पाया जाता है बाई क्रिस्टलाइजेशन बी क्रोमैटोग्राफी सी बाई पेप्टिजाइजेशन डी बाई दीज मेथड क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फाइव का ए होगा देखते हैं आंसर ए ही है सही है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्टिंग आप सभी देखिए ऑप्शन नंबर ए एफ ई टू ओ थ्री बी एफ थ्री ओ फोर सी एफ डी नन ऑफ दीज आपका इसका फार्मूला जंग लगने का फार्मूला का आपका कौन सा है एफ ई टू ओ थ्री सिक्स का ए राइट आंसर देखते हैं आंसर सही है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं व्हाट विल इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है ऑप्शन नंबर कार्बोनेट फॉर्म बी लाइम वाटर टन मिल की जो लाइम वाटर है वो दुधिया रंग का कलर हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म मतलब होता है सी बोथ ऑफ डी नॉन ऑफ तीज आपका सी होगा दोनों काम होता है कैल्सियम कार्बोनेट भी फॉर्म होता है और लाइम वाटर दूधिया कलर का भी होता है आंसर देखते हैं सेवन का सी राइट आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज ए फेमस ऑफ द फॉर दस फैक्ट के लिए जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार में दिल्ली में जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार का किस फैक्ट के लिए वो फेमस है आयरन पिलर जो है विच ऑफ़ दिज फैक्ट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग एस्टेब्लिश कौन सा ऐसा फैक्ट है जो लंबे समय से स्टेबिलिटी बनाया हुआ है ऑप्शन नंबर ए इट इज ए मोर तैन सेवन मीटर हाइज ऑप्शन नंबर बी इट वेट्स अबाउट सिक्स थाउजेंड के जी ऑप्शन नंबर सी इट वॉज बिल्ड मोर तैन सिक्सटी हंड्रेड इयर्स वो डी इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सो सच ए लॉन्ग पीरियड है इसलिए फेमस है क्योंकि लंबे समय तक यह इसमें इस, इस लोहे में जंग नहीं लगा है इसलिए आपका डी आंसर होगा देखते हैं आंसर डी डी हाँ एट का है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखते हैं गलबनाइजेशन इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ एफ द फलोइंग गलबनाइजेशन इसमें से कौन सा आ, किस काम के लिए इस्तेमाल करता है किस रस्टिंग को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर ए आयरन को ऑप्शन नंबर बी को ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का ऑप्शन नंबर डी कॉपर को आयरन को, को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग का गलबनाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं आंसर देखते हैं नाइन्थ का ये सही है क्वेश्चन नंबर टेंथ देखते हैं पहली मेड अप ए कंसनट्रेटेड सिरप शुगर सिरप बाई डिजल्विंग शुगर इन हॉट वाटर गर्म पानी में पहली के माँ शुगर सिरप क्या करती है आ, शुगर बना के शुगर को डिजल्व करके शुगर सिरप बनाती है ऑन द कूलिंग ठंडे करने पर क्रिस्टल और शुगर गॉड सेपरेटेड ठंडे होने के बाद जो क्रिस्टल है शुगर का वो अलग हो जाता है डिसइंडेट यह क्या इंडिकेट करता है फिजिकल चेंज डाइट कैन बी रिवर्स्ड बी केमिकल चेंज कैन बी रिवर्स सी फिजिकल चेंज डेट कैन नॉट बी रिवर्स डी केमिकल चेंज डेट कैन नॉट बी रिवर्स आपका ए राइट आंसर होता है इसमें भौतिक परिवर्तन होता है जो कि वापस रिवर्स किया जा सकता है देखते हैं आंसर ए इज द राइट आंसर टेंथ का अब हम लोग मैच ऑफ देखते हैं ये आपका रस्ट है मैच ऑफ द फ्लोइंग कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी है आपका ये ये कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी है ऊपर की ओर थोड़ा कर लेते हैं ठीक है रस्ट दिया है कैल्शियम कार्बोनेट विनेजर दिया है फेरिक ऑक्साइड पैकिंग सोडा दिया है कॉपर सल्फेट लाइम वाटर दिया है एसिटिक एसिड नील कोठी नीला तो था दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चलिए हम लोग मिलान करते हैं रस्ट रस्ट आपका रस्ट का फॉर्मूला ऊपर में देखिए क्वेश्चन भी दिया था ये आपका फेरिक एक्साइड होगा विनेगर विनेगर देखिए खट्टा होता है ये आपका एसिटिक एसिड एसीट हो गया CH3COOH बेकिंग सोडा ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3 uh, अब लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका लाइम वाटर ये नीला कोठा नीला थोथा ये होगा कैल्सियम सल्फेट यह आपका आंसर सही होना चाहिए देखिए हम लोग को ये आंसर सही है तो आज के लिए इतना ही